अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आपका जारिया का जायका किचन में। और आज मैं बना रही जा रही हूँ सिंपल सा पुलाव। तो आप लोग भी देखिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। बिना प्याज का ये पुलाव है और खाने में बहुत ही मजे की बनती है ये, और झटपट सी रेसिपी है। तो आप भी वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये मैं आपका 4 बड़े चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। और उसके साथ साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी देसी घी लगभग 1 चम्मच। ऑयल गरम होने पर इसमें मैं डाल दूंगी, ये गोल की है 4-5, 2 इलायची है, 4 लौंग है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। और उसके साथ साथ मैं चावल लगभग 1/2 kg चावल है। चावल को अच्छी तरह से ऑयल में भून लूंगी। चावल को 2-3 मिनट अच्छी तरह से भूंज लूंगी। चावल को 2-3 मिनट भूंज ली हूँ, ये देखिए चावल अच्छी तरह से भुंजा गया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी पानी, जितना चावल है उस हिसाब से डबल पानी ऐड करिएगा। इसमें मैं ऐड कर दूंगी नमक, जितनी क्वांटिटी में है उस हिसाब से नमक ऐड कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ मैं ऐड कर लूंगी चीनी 1 चम्मच, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है ये पुलाव का। तो आप लोग भी घर में जरूर ट्राई करिएगा इस तरह का पुलाव। फिर बॉईल आने दूंगी और चूल्हे को, एक बॉईल आने पर चूल्हे को सिम कर लूंगी। ये चावल उबल रहा है, अब चूल्हे को मैं सिम कर दूंगी। सिम में ही छोड़ दूंगी चावल जब तक ऊपर नहीं आ जाता। तो चावल बिल्कुल भी ऊपर आ गया है, ये देखिए। अब इसको मैं दम ले डाल दूंगी, लेकिन उससे पहले इसमें थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डालूंगी। अगर आपके पास घी है तो घी भी डाल सकते हैं। ये देखिए ऑयल डालूंगी और इसके साथ साथ इसमें कलर भी ऐड कर दूंगी। अभी चावल दम लगा देती हूँ, 10 मिनट के लिए दम लगा दूंगी तवा देके नीचे में। तो ये 10 मिनट के लिए दम लगा दी हूँ सिम करके, और 10 मिनट के बाद मैं चूल्हे को बंद कर लूँगी। और 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के बाद ही मैं इसको पुलाव को खोलूँगी। तो हमारा पुलाव बन के रेडी हो चुका है, अब इसको मैं प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। बनके पुलाव रेडी हो गया है, और ये गुजराती पुलाव है ना, इसमें प्याज लहसुन अदरक लहसुन कुछ भी नहीं पड़ता है। तो जो प्याज लहसुन अदरक नहीं खाते उनके लिए बेहतरीन पुलाव है। तो आप भी ये रेसिपी को बिल्कुल ट्राई करिएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों विदा लेती हूँ। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम।